नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट कब आएगा और दोस्तों आपके जो 90 से ऊपर कितने लोगों की परसेंटेज बनने वाली है, यानी कि टोटल जो 21 लाख स्टूडेंट है उनमें से 90 से ऊपर कितने लोगों की परसेंटेज है वो 90 से ऊपर बनेगी दोस्तों। इसी के साथ आपके जो एग्जाम है वो कब लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं उनके एग्जाम लिए जाएंगे तो वो कब लिए जाएंगे दोस्तों, और आपकी मार्कशीट है दोस्तों वो कब आएंगी, क्योंकि मार्कशीट के बिना दोस्तों आप अगली क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्कशीट कब तक आ जाएंगी। और आपका दोस्तों यहाँ 17 अंक का जो काम है, यानी कि जो आपके नंबर भेजने थे दोस्तों, उसका काम पूरा हो चुका है। लगभग सभी के 17 अंक है वो भेज दिए गए हैं। 17 अंक दोस्तों पिछली साल की तरह आपके 20% ही भेजी गई है। लेकिन दोस्तों अब आपका रिजल्ट बनना स्टार्ट हो गया है। रिजल्ट के बारे में कब आएगा, कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में अगर आपका कोई भी सवाल है दोस्तों, अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 17 अंक की। 17 अंक की डेट थी दोस्तों 28 जून। 28 जून तक आपके लगभग सभी के जो बोर्ड हैं दोस्तों, सभी स्कूलों ने अपने नंबर भेज दिए गए हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट का काम रहेगा। फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला को लेकर मैंने वीडियो डाल दी है, जिस आधार पर आपका फॉर्मूला बनेगा। चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 90 से ऊपर कितने स्टूडेंट की परसेंटेज बनने वाली है, जो 94% छात्रों की परसेंटेज है दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन दी गई है छत्तीसगढ़ और एमपी में, यानी कि दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। राजस्थान में भी इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा और रिजल्ट में पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं रिजल्ट से तो आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम आपके दोस्तों अगस्त में लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं। उनके रिजल्ट दोस्तों एग्जाम के आधार पर ही, यानी कि जो परीक्षा ली जाएंगी उनके आधार पर ही तैयार किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एग्जाम नहीं देना चाहते उनकी भी रिजल्ट अच्छा आएगा। तकरीबन 80% स्टूडेंट की इस बार जो परसेंटेज है दोस्तों 60 से ऊपर, यानी कि फर्स्ट डिवीजन बनने वाली है। 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी परसेंटेज, यानी 21 लाख के जो 80% निकलेगा वो 60 से ऊपर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 90% की बात करूँ तो इसको लेकर ही दोस्तों यहाँ पर जो 90 से 100 के बीच में रहने वाले हैं राजस्थान बोर्ड में, 100% अंक लाने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 99% या फिर 98% रहती है, तो वो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 5% ही होंगे। 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 90 से 100 के बीच में जिनकी परसेंटेज बनेगी, यानी कि 21 लाख में से सिर्फ 5% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी परसेंटेज आपको 90 से ऊपर और 100 के बीच में देखने को मिलेगी। 96 या 98% ऐसे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार मेरिट नहीं रुकेगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी कोई भी मेरिट नहीं आएगी, सिर्फ रिजल्ट आएगा। क्योंकि मेरिट इसलिए नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि आपकी एग्जाम नहीं ली गई, आपको पिछली क्लास के आधार पर है रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी 9th में जो है वो अच्छे से स्टडी नहीं करते क्योंकि वो 10th की तैयारी करते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे में क्या उनकी 9th परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन जो आपका रिजल्ट रहेगा वो पिछली क्लास के आधार पर, तो ऐसे में उनकी परसेंटेज कम हो सकती है। जो होशियार स्टूडेंट है उनकी भी परसेंटेज कम हो सकती है। तो आपकी इस बार मेरिट नहीं रुकेगी दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में ये बाद में रिजल्ट है वो जा सकता है। आपका जो 17 अंक है दोस्तों वो भेजे जा रहे हैं। मार्कशीट की बात करूँ तो उससे पहले मैं रिजल्ट की बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आएगा दोस्तों जुलाई के लास्ट वीक तक। जी हाँ दोस्तों, आपका 24 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा और कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अलग अलग समय पर जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मार्कशीट आपकी दोस्तों 15 अगस्त तक आपके स्कूल में आ जाएंगी, यानी 15 अगस्त से पहले आपकी मार्कशीट आपके स्कूल में भेज दी जाएंगी, जहाँ से दोस्तों आप मार्कशीट लेकर अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कंपटीशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी यहाँ पर दोस्तों हेल्प मिलने वाली है। तो आपकी मार्कशीट जल्दी तैयार की जाएंगी क्योंकि सरकार को भी पता है कि स्टूडेंट जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर जो BSTC या PTT का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर काउंसलिंग के समय आपको मार्कशीट चाहिएगी दोस्तों। तो ऐसे में आपकी जो मार्कशीट है दोस्तों जल्दी ही बनाई जाएंगी और जल्दी ही रिजल्ट के 15 दिन के अंदर आपकी मार्कशीट आपके दोस्तों स्कूल में आ जाएंगी। और रिजल्ट दोस्तों आपको मैंने बता दिया, रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है तो रिजल्ट के लिए जो ऑफिशियली वेबसाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहीं से आपका रिजल्ट आप देख पाओगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्कूल को लेकर, रिजल्ट को लेकर
सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ से आप अपना रिजल्ट है आसानी से चेक कर पाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी परीक्षा कराता है, अजमेर के द्वारा आपकी परीक्षा होती है, लेकिन इस बार आपकी परीक्षाओं को नहीं कराया गया, लेकिन रिजल्ट आपका तैयार हो रहा है। और रिजल्ट आते ही दोस्तों सबसे पहले अपडेट मिलेगी इस चैनल पर आपको, राजस्थान बोर्ड की कोई भी अपडेट आपसे छूट नहीं पाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।